चैनपुर गोलीकांड करने एवं घर में घुसकर हमला करने एवं पत्नी और बच्चे की हत्या करने वाले आरोपियों के घर रविवार को चैनपुर पुलिस ने ढोल मांदर बजाते हुए इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस के द्वारा ढोल मांदर बजाते हुए गांव में प्रवेश करने पर लोग कौतूहल भरी नजरों से देखने लगे। पुलिस ने अभियुक्त के घर पर पहुंचकर ढोल बजाते हुए उसके दरवाजे के सामने इश्तेहार चिपकाया, साथ ही मौजूद लोगों के समक्ष कहा कि गोली चलाने के अभियुक्त सुजीत उराव उर्फ संजय उराव पिता धुदिया उराव ग्राम रोरत महुआ टोली थाना पेशरार जिला लोहरदगा एवं दूसरे अभियुक्त के द्वारा अशोक उराव के परिवार पर हमला करने एवं उसके पत्नी और बच्ची की हत्या करने के अभियुक्त फिरोज अंसारी पिता कलीन अंसारी ग्राम रुबेद थाना जोबांग जिला लोहरदगा के दरवाजे पर इश्तेहार चिपकाया, साथ ही मौजूद ग्रामीणों के समक्ष कहा कि यह दोनों अभियुक्त 1 महीने के अंदर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे या कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में 1 माह के बाद उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय ग्रामीण को सुनना है कि कुमला पुलिस के द्वारा कुमला जिला के अंतर्गत चैनपुर थाना पड़ता है, चैनपुर थाना में फिरोज अंसारी पिता कनीम अंसारी ग्राम रुपेद थाना जोबांग जिला लोहरदगा के विरुद्ध चैनपुर थाना कांड संख्या 5/22 दिनांक 29/3/2022 के विरुद्ध एक गोली का कांड करने एवं अशोक उराव के परिवार पर हमला करने एवं उसके पत्नी और बच्चे की हत्या करने के आरोप में कांड अंकित किया गया है। उप कांड में फिरोज अंसारी फिरार चल रहा है, उनके विरुद्ध आज माननीय न्यायालय के द्वारा निर्गत इश्तेहार का तामीला उनके घर पर चिपका कर किया गया है और उन्हें 1 माह का समय दिया जाता है। 1 माह के अंदर वो माननीय न्यायालय या चैनपुर थाना जिला गुमला में उपस्थित होंगे, नहीं तो इनके विरुद्ध कुर्की की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और इनका घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसलिए 1 माह के अंदर माननीय न्यायालय गुमला या चैनपुर थाना में उपस्थित होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।